अरे भैया, पबजी खेलते खेलते ऐसी हालत हो गई है कि अब तो डर लगता है कि रास्ते में कोई गोली ना मार दे। हे, आज मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो बताऊंगा जिसे देखकर आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। हो गया? अरे जब अपुन ने तेरे को पहली टाइम देखा था ना, तभी हो गया। देख मूसा, तेरे मुंह से गाली अच्छी लगती है, कवाली नहीं। चल यार, सुबह से मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे चाकू लेकर दौड़ रही है। मैंने तो बस सुबह में मजाक में कहा था, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। वो पगली सचमुच में चाकू लेकर मेरे पीछे दौड़ रही है सुबह से। पप्पा, पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। जबान लगाता है? सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है? अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा। हम सब की स्क्वाड में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो हमें किसी भी हालत में रिवाइव देता है। हमारा सच्चा दोस्त। हम चाहे पोचिंकी में क्यों ना रेंग रहे हो, हमारी पेटी बनने वाली हो, लेकिन वो मिलिट्री बेस से भागता हुआ गाड़ी में मोटरसाइकिल। भैया आज मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी लड़कियां इतना उपवास क्यों रखती हैं, तो मम्मी ने कहा पगले तू इतनी आसानी से कुछ थोड़ी किसी लड़की को मिल जाएगा। कसम से अंदर देवता वाली फीलिंग आ गई भैया। अरे अरे मार क्यों रहा है? एटेक्स दो, एटेक्स। एटेक्स? ये सब एटेक्स के लिए? साले मांग लेता मैं दे देता यार, मार क्यों दिया? सॉरी ब्रो, प्यार और पबजी में सब जायज है। रेट तेरे हाई करके एक बार देख के तो हंस दिया कर। अच्छा, ऐसा कौन कौन है जो रात भर पबजी गेम खेलता है लड़कों में? तो जो कोई भी रात रात भर पबजी गेम खेलता है, जरा मेरे साथ एक बार ड्यूट करके बताना कि कौन कौन। आज मुझे पता चल गया कि जब लड़की को पता चल जाए कि उसका चाहने वाला उसके बगैर जी नहीं सकता, तो फिर वो जीने नहीं देती। मैं कौन था यू? मैं क्या था यू? गया कहाँ?